हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जो वेटिंग लिस्ट टिकट बुकिंग कर लेते हैं, बट उनको ये पता नहीं होता है कि उनका जो वेटिंग लिस्ट टिकट वो बुकिंग किए हैं। बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं, बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो सोचते हैं क्या कि उनका अगर वेटिंग टिकट कन्फर्म भी नहीं होगा तो आरएसी भी अगर हो जाता है तो वो मतलब सफ़र कर लेंगे, या वो आरएसी के मतलब आरएसी सीट मिलने के कारण ही वो अपना वेटिंग टिकट बुक करते हैं कि उनको लगभग अगर पूरा फुल कंफर्म सीट नहीं मिलता तो आरएसी भी मिल जाएगा तो मैं ट्रेन में सफ़र कर लूँगा। तो आज मैं उन सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आपको कौन सा वेटिंग टिकट बुक करना चाहिए कि आपका जो वेटिंग है वो आरएसी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो TQWL जो वेटिंग लिस्ट होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट इसका नाम है, जो कि तत्काल वेटिंग लिस्ट आप लोग जानते होंगे कि ये डायरेक्ट आपका कन्फर्म होता है। तत्काल वेटिंग लिस्ट जो है, या अगर होता भी है तो आपको डायरेक्ट कन्फर्म होता है, ये आरएसी में नहीं जाता है। इसके बाद आपको मैं बता दूँ RLWL, ठीक है, ये RLWL जो वेटिंग लिस्ट है इसका मतलब होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ये जो वेटिंग है, ये वेटिंग भी आपका मतलब जो है ये स्टार्टिंग स्टेशन से लेके कोई बड़ा बीच का कोई स्टेशन होता है वहाँ तक RLWL मिलता है, या कोई स्टार्टिंग से ट्रेन स्टार्ट हुई है बीच कोई बड़ा स्टेशन है वहाँ से लेके आप कहीं लास्ट ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो आपको RLWL मिलता है। RLWL जो वेटिंग लिस्ट होता है वो भी आपका डायरेक्ट कन्फर्म होता है, वो आपको आरएसी में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आपको एक वेटिंग लिस्ट बताते हैं, जैसे कि PQWL फुल कोटा वेटिंग लिस्ट। ये वेटिंग जो है ये भी आप लोगों को कब मिलता है, जैसे कि मान के चलिए कोई गाड़ी हावड़ा से लेके न्यू दिल्ली तक जा रही है तो आप हावड़ा से अगर टिकट बुकिंग करते हैं न्यू दिल्ली से 2-4 स्टेशन पीछे तो आपको PQWL वेटिंग लिस्ट मिलता है। ठीक है, ये वेटिंग जो है ये भी आपको आरएसी में कन्वर्ट नहीं होता है, ये वेटिंग भी आपको डायरेक्ट कन्फर्म होता है। ठीक है, और हाँ, जितने भी अभी आप लोगों को वेटिंग टिकट के बारे में बताया जी, जैसे कि RLWL, PQWL, TQWL, ये सब जो टिकट है ये सब डायरेक्ट कन्फर्म होता है, और ये सब वेटिंग अगर ज़्यादा होता है तो ये कन्फर्म नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट एक वेटिंग लिस्ट है जो आप लोग बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे, जिसका नाम होता है GNWL। GNWL जो वेटिंग लिस्ट होता है, जनरल वेटिंग लिस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। जनरल वेटिंग लिस्ट एक ऐसा टिकट है अगर आप बुकिंग करवा लेते हैं, ये खास करके किन लोगों को मिलता है, जैसे कि मैं अभी एग्जांपल दिया हावड़ा से न्यू दिल्ली, हावड़ा से न्यू दिल्ली तक अगर आप टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको GNWL वेटिंग मिलेगा। ठीक है, GNWL आप जरूरी नहीं कि मतलब हावड़ा से दिल्ली तक ही, अगर आप कोई भी स्टेशन से लास्ट तक टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको GNWL वेटिंग लिस्ट मिलेगा। और GNWL एक ऐसा वेटिंग है जो आपको धीरे 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 आप देखते होंगे कि वेटिंग कम होता है। ठीक है, पहले ये वेटिंग बुकिंग होता है और वेटिंग से आरएसी में कन्वर्ट होता है। एक यही टिकट है जो आपको आरएसी टिकट मिलता है GNWL वेटिंग टिकट होने के बावजूद भी, इसके बाद ये आरएसी से डायरेक्ट कन्फर्म होता है। ठीक है, ये GNWL अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो ये डायरेक्ट कन्फर्म नहीं होता है, पहले आरएसी में जाता है इसके बाद डायरेक्ट कन्फर्म हो जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा ये वेटिंग लिस्ट टिकट के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे या जान गए होंगे कि कौन सा वेटिंग टिकट बुक करने से मेरे को आरएसी मिल सकता है, कौन सा नहीं। सो आई होप कि आप सभी को मेरा जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँच सके।